इंदौर से इंदौर के एक रेडीमेड कपड़ा कारोबारी पर युवती के रेप मामले में केस दर्ज किया गया है। इंदौर के रेडीमेड कपड़ा कारोबारी ने शनिवार शाम को उज्जैन में माधव क्लब रोड स्थित शिप्रा रेजिडेंस में इंदौर की युवती के साथ दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस पूरे मामले को नीलगंगा पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी नरेश पर मामला दर्ज किया है। टीआई तरुण कुरील ने बताया कि नरेश बापचा निवासी जूनी इंदौर की श्री कृष्ण टॉकीज इंदौर के समीप रेडीमेड कपड़े की दुकान है। इंदौर में ही एक युवती ने लेडीज वियर की दुकान डाली है। उसने सस्ते दामों पर कपड़े लेने के लिए नरेश से संपर्क किया था, जिस पर नरेश ने उसे बताया कि सूरत से वह एक कारोबारी से कपड़े खरीदता है। वह उज्जैन आया हुआ है, जिसे मुलाकात करवाने से के बहाने शनिवार को नरेश युवती को अपने साथ लेकर उज्जैन में शिप्रा रेजिडेंसी आया था। होटल में सूरत का कोई कारोबारी नहीं ठहरा हुआ था। वह झांसा देकर युवती को उज्जैन लाया था। नरेश ने युवती के साथ होटल में जबरन दुष्कर्म किया। युवती ने इसकी जानकारी अपने स्वजन को दी थी, जिसके बाद वह उज्जैन पहुंचे थे। नीलगंगा पुलिस ने देर रात आरोपी कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी, सूरत।